अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी ने अपना एहसास कराना शुरू कर दिया है। दिन की बात की जाए तो अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात की बात की जाए तो जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। और इस बीच IMD ने एक पूर्वानुमान जारी किया और जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि अप्रैल से मई तक भीषण गर्मी पड़ने की जो आशंका है वो जताई है और इसी के साथ साथ लू चलने की भी आशंका जताई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं मोहम्मद दानिश, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो आगामी दिनों में रहने वाला है। दानिश जी, IMD ने तो पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि इस बार अप्रैल और मई में भीषण गर्मी और लू पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का मौसम रहने वाला है और गर्मी के क्या हालात रहने वाले हैं? अगर हम जैसे हीट वेव या लू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार सामान्य से अधिक लू रहने की संभावना है अप्रैल से लेकर जून तक। फिलहाल जैसे कि अभी अप्रैल का स्टार्टअप हो गया है तो जो अभी तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा ऊपर है। जो हफ्ता है ये इसी के तरीके से बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में भी अपने सामान्य से थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो फिलहाल अगले एक हफ्ते तक तापमान अपने सामान्य और सामान्य से ऊपर की तरफ रहेगा। बाकी अभी हीट वेव और लू का फिलहाल एक हफ्ते तक अभी कोई ऐसी चेतावनी नहीं है। आने वाले दिनों में फिर अगले हफ्ते से फिर जैसा मॉनिटरिंग है उसके बेसिस से फिर हम आगे बता सकेंगे। IMD ने अपने पूर्वानुमान में इस बात का भी जिक्र किया है कि इन 3 महीनों में बारिश भी अधिक होगी, जो सामान्य होती थी उससे ज़्यादा होगी। तो क्या अभी कोई किसी तरह का कुछ माहौल जो है वो बारिश का बन रहा है? देखिए, बारिश का अगर हम बात करें तो अगले 3 दिनों के बाद जो हमारा प्रयागराज डिवीज़न है वहाँ हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। फिलहाल जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है अप्रैल महीने में सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश की संभावना है, तो अप्रैल महीने में तो रहने की संभावना है। बाकी जो अगले महीने का जो मानसून महीने की जो बारिश है वो हमारा इस महीने के लास्ट या 10-15 दिन के बाद लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आ जाएगा कि मानसून महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है। दानिश जी, देखिए चुनाव भी हैं 2024 के, लोकसभा निर्वाचन आयोग भी लगातार आप लोगों के संपर्क में है, तो क्या कुछ जानकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा जुटाई जा रही है? इस साल जैसे कि ये पहले से हमको पता चल गया है कि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और इस बार लोकसभा इलेक्शन भी है, तो निर्वाचन आयोग के साथ हमारा डायरेक्ट बेसिस पे एवरी डे फोरकास्ट देने की बात कही गई है, जिससे कि उनको इस बारे में पता चले कि हमारे जो लू किस जगह पे कैसा कैसा रहेगा, जिसके बेसिस पे वो उसका इंतजाम कर सके। जैसा कि हमने देखा इस बार ठंडी भी जो है काफ़ी दिनों तक पड़ी और काफ़ी ज़्यादा पड़ी, तो क्या लगता है ये गर्मी जो अप्रैल से शुरू हो गई और मई तक के भीषण जारी रहेगी, क्लाइमेट चेंज का ये असर जो है वो काफ़ी देखने को पड़ रहा है और ये वजह खास है क्लाइमेट चेंज की? देखिए, अगर हम फिलहाल कुछ सालों में देखा जाए तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो फिलहाल जैसा कि ये देखा जा रहा है कि जो औसत तापमान है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तापमान अधिक की तरफ हमारा अग्रसारित है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो एक अमूमन जो गर्मी पड़ती थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी अधिक पड़ रही है। एक आखिरी सवाल दानिश जी, इन तमाम चीज़ों का फसलों पे किस तरीके का असर पड़ेगा, किसानों को किस तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है? अगर हम किसानों के लिए बात करें तो जैसा कि अगर हमको बारिश की अगर हमको पता चले कि जैसे कि हम फसल को बचाया जा सकता है, जैसे कि अगर हमको पता चल जाए कि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है, तो किसान उस वक्त अपने खेतों में पानी ना लगाकर वेट करे कि हमको बारिश होने की संभावना है। तो ये जो मौसम की खबरें हैं उनको इस सब चीज़ों से काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। आपने सुना, मोहम्मद दानिश थे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद, मौसम वैज्ञानिक हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार अप्रैल से मई तक के जो सामान्य तापमान है वो अधिकतम से ज़्यादा रहेगा। और इसी के साथ साथ देखिए, भारत निर्वाचन आयोग भी लगातार जो है मौसम विभाग से बातचीत कर रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है और वेदर फोरकास्ट की जानकारी जो है वो लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा ली जा रही है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।